पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमेठी में अग्निपथ योजना के विरोध में हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करते हुए अमेठी प्रतापगढ़ को जाम कर दिया। युवाओं को एसडीएम और सीओ अमेठी ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी बातों पर अड़े रहे। अभी अग्निपथ के विरोध में तमाम युवा जो है सड़कों पर उतरे थे, क्या मांगे थी, कैसे आपने उनको समझाया है? कुछ बच्चे हैं जिनको अग्निपथ के बारे में कुछ आशंकाएं थीं, वो उनको समझाया बुझाया गया। वो हमारे ही युवा बच्चे हैं और उनको हमने समझाया, वो समझ गए और उन्हें शांतिपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया है और उनका ज्ञापन ले लिया गया है। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने अनुयायियों से अपील की है डेरा के ऑफिशियल पेज पर लाइव आकर डेरा प्रमुख ने किसी तरह की भागदौड़ ना करने और घरों में रहकर ही सुमिरन करने की अपील की है। सभी चाहते थे कि हम आए, इसलिए हम आए हैं। गुरमीत राम रहीम कहता हुआ नजर आया, सेवादारों के अगले आदेशों तक इंतजार करें, धैर्य बनाए रखने की अपील की है। डेरा प्रमुख ने बरनावा डेरे पर भीड़ ना करने की अपील भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पिछले एक सप्ताह से गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम महाविश्वविद्यालय गोपेश्वर कोठियालसेन के आदर्श विद्यालय के प्रांगण में सुबह 4 बजे से और गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 6:30 बजे से योग की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें योग अध्यापक योगवीर सिंह बर्थवाल का कहना है कि लोग बढ़ चढ़ कर सुबह भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद एडीएम ललित नारायण मिश्र के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुंबई ने उत्तराखंड के रिकॉर्ड 725 रनों से हरा दिया है। मुंबई की बड़ी जीत बताई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह अनुभव बेहद शर्मनाक रहा। खानपुर से दलीय विधायक क्रिकेटर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उत्तराखंड सरकार से सीएओ के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब लॉकडाउन नहीं था, 1,74,00,000 रुपए फूड एंड कैटरिंग और जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था, उस समय इनकी फूड एंड कैटरिंग हो गई 1,18,00,000 रुपए। किसे खिलाया आपने, कौन से कैंप्स लगे हुए थे, कौन से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे? उसके बाद जब लॉकडाउन नहीं था, उस दौरान कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स नहीं हुए, कोई खेल नहीं हुए, कोई युवाओं का चयन नहीं हुआ। और जब लॉकडाउन हो गया देश भर में, तो इन्होंने क्या किया, ट्रेवलिंग, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स और अदर एक्सपेंसेस जोड़कर इसको भी लगभग 1,25,00,000 रुपए पहुंचा दिया। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली कांग्रेस भवन में जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की गई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में लाठीचार्ज की गई, इसके विरोध में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा मुख्य मार्ग में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपना विरोध यहाँ पर दर्ज कराया है। कांग्रेस पार्टी के हैं राहुल गांधी जी, उनको ईडी के सामने पेश किया गया था। इसी क्रम में ठीक है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, राजनीति में होता है सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई सच्चाई से कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो यही काम केंद्र की जो कुनीतियाँ हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह के लगातार ऐसे कदम उठाए जा रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवकों ने सड़क जाम कर सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। मौके पर भारी पुलिस तैनात रहा। घुसीकोतवाली थाना क्षेत्र के गुरुपुर वाराणसी नेशनल हाईवे अमिला थानीदास के पास प्रदर्शन कर रहे थे।
पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर तीर्थ नगरी के निवासी भड़क गए हैं। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर यहाँ पर गुस्सा दिखाया है। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमले के विरोध में भारतीय भड़क गए हैं। तीर्थ नगरी में पिलपुरी चौराहे पर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर। जो पुतला दहन किया गया है हमारे हिंदुओं के मंदिरों को जो पाकिस्तान में उजाड़ा गया है उसके प्रति हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। उसको देखते हुए आज सभी ने ये निर्णय लिया था कि पाकिस्तान का पुतला दहन करें और केंद्र सरकार से एक मांग करते हैं कि जो भी हमारे हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं उन पर हो रहे अत्याचारों के प्रति और जो हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है मंदिरों तोड़कर उन पर कार्रवाई कर अवगत कराएँ। हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी में दो ज्ञात चोरों ने एक होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर अपने साथ होटल के कर्मचारियों के बैग से 13,000 रुपए नगद, होटल की चाबियां पर्स और कागजात लेकर फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अग्निपथ योजना को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवाओं के द्वारा खैर तहसील क्षेत्र के थाना टोपर इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़कर जाम लगाते हुए नारेबाजी का हंगामा किया। इतना ही नहीं, गुस्साए युवाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज बस को भी आग लगा दी। सैकड़ों युवाओं के हंगामे को देख मौके पर सीओ खैर राकेश भदौरिया सहित थाना टपल पर तैनात एसपी पुनित द्विवेदी, इंस्पेक्टर टपल सहित कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। राहुल गांधी को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ बागपत के बड़ौत में भी आक्रोश देखने के लिए मिला। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया है। सम्मानित साथी चौधरी साहब ने सारी बात बताई, स्पेशल बात बताना ये चाहता हूँ। आज सेंटर जो निर्देश देता है ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, राजनीतिक द्वेष से, दुर्भावना से जो विपक्षी पार्टी में नेता हैं उन पर बिना मतलब आरोप और आरोप से बाद में उन्हें जेल भेजने वाला मामला दिन रात हर समय बादस्तूर जारी है। अपनी बात उठा नहीं पाते, इतना अन्याय, इतना भ्रष्टाचार, इतना दुर्व्यवहार हमारे एआईसीसी ऑफिस, पार्टी ऑफिस में जबरदस्ती पुलिस बल से जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ वो बहुत निंदनीय है, बहुत बुरी बात है। प्रजातंत्र में ये अच्छी बात नहीं होती, सत्ता आती है जाती है परंतु अपनी बात भी सुननी चाहिए। देवरिया के सुभाष चौक पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। वहीं सदर रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में युवाओं ने 3 घंटे से ट्रेन बाधित कर अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं देवरिया एसपी संकल्प शर्मा लगभग 4 घंटे से प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे रहे। जुमे की नमाज को लेकर राजधानी लखनऊ में टेले वाली मस्जिद पर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद रहा है। एक नई पहल देखने को मिली, नमाजी को पुलिस ने गुलाब का फूल देकर नमाज पढ़ने के लिए भेजा। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों युवाओं ने तरिया सुजान रेलवे स्टेशन पर छापरा से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को करीब 45 मिनट तक रोका और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नमाज पढ़कर नमाजी निकलते हुए नजर आए। प्रदेश में हुई हिंसा के बाद जुम्मे की शांतिपूर्ण नमाज के बाद जिला प्रशासन का फूलों से स्वागत किया गया। नमाज पढ़कर निकले नमाजी ने जिला प्रशासन को फूल देकर सराहना की है। छोटे बच्चे भी गुलाब देकर और फूल बरसाकर जिला प्रशासन का धन्यवाद देते हुए नजर आए। बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हरदोई जिले के सभी बड़ी और छोटी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त रहे। डीएम अविनाश कुमार के साथ एसपी राजेश त्रिवेदी, सीडीओ आकांक्षा राणा और अन्य मजिस्ट्रेट मस्जिदों के बाहर स्थानीय पुलिस के साथ मौजूद रहे। गदरपुर में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पूरे गदरपुर में स्थानीय पुलिस के द्वारा हर स्थानों पर नजर गड़ाए बैठे थे। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने कहा कि गदरपुर में किसी तरह की अशांति न फैले इसलिए गलियों में और मस्जिदों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल
रखा गया जिससे कि कोई विवाद खड़ा ना हो। प्रभारी निरीक्षक विजयन शाह ने अपील की है कि दुर्गपुर क्षेत्र के सभी स्थानीय लोगों से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी और टिप्पणी से बचे रहें। गोरखपुर में अग्निपथ की जगह जगह हो रहे विरोध को देखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशन और स्टेशन परिसर में फ्लैग मार्च किया गया जिससे कि वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। हमीरपुर में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। जनपद के संवेदनशील माने जाने वाले मोहदा कस्बे में चप्पे चप्पे पर तैनाती रही। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को खदेड़ा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सिबवाल के बीच पथराव हुआ। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने के विरोध में हरदोई के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकाला और ईडी के साथ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ईडी के सहारे गांधी परिवार को डराने में लगी हुई है, लेकिन गांधी परिवार डरने वालों में से नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। न्यूज़ ऑल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022।